गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। क्लास में है कोई? कि यह है नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगी। दो लोग ही दिख रहे हैं अभी तो, अभी कुछ लोग और गए हैं। उधर गेम खेलने लगा था। मैं थी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आज। ज्यादा स्मार्ट हो गए हो तुम लोग, जल्दी पढ़ लोगे। अच्छा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। क्या बात, सब देखने लगे? गेम छोड़ना पड़ेगा, हर बात होगा। चलो अभी चलो। तो आई गेस 3-4 क्वेश्चन थे, रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम के। कोई प्रॉब्लम उसमें? देना तुमने ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर जो दो चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका वेटेज 10 मार्क्स का है, सॉरी 8 मार्क्स का है, जिसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि 5 to 6 मार्क्स चैप्टर 1 से होगा एंड 1-2 मार्क्स चैप्टर 2 से होगा। सही, 11th वाले की तरह ही है चैप्टर जो फंक्शंस किया था। नहीं, वहाँ बहुत मतलब उसी का कंटिन्यूएशन है, वो थोड़ा बेसिक था, ये थोड़ा एडवांस है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 5-6 मार्क्स विल बी फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2 to 3 मार्क्स विल बी फ्रॉम चैप्टर 2। इसलिए हम इनवर्स को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है, बहुत लोड नहीं लेना है उसका। इस चैप्टर में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि समझ में तो आ जाता है लेकिन लिखना नहीं आता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो जो मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, तुम्हें वैसे ही लिखना होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें सिर्फ लिखने में आएगी कि क्या लिखें, क्या लैंग्वेज लिखें। तो इस बात का बहुत ध्यान से ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन करना या अभी नोट्स बनाना, तो उसमें लैंग्वेज पूरी प्रॉपर लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो फिर फंस जाओगे एग्जाम में। तो आई होप सबने क्लास 11th में रिलेशन पढ़ा था, और उस वक्त पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलना सीखना। आपको याद है कैसे हम बोलते थे रिलेशन, या रिलेशन होता क्या, ये याद है? सर ए की यूनिक वैल्यू होती है बी में। नहीं, दैट्स नॉट अ रिलेशन। और आई थिंक वैल्यू की जगह तुम्हें कुछ और बोलना चाहिए, इमेज। इमेज बोलना चाहिए। ओके, आई गेस भूल ही गया हो। तो रिलेशन होता है, अगर यहाँ तो दो सेट होते हैं ए और बी, एंड ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, याद है? और रिलेशन होता है अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडर सम रूल, कि कोई रूल लग जाएगा तो फिर कुछ एलिमेंट्स ए और बी के आपस में रिलेट हो जाएंगे। हो सकता है सारे हो जाए, हो सकता है एक भी ना हो, और हो सकता है कुछ भी हो, कुछ हो जाए। तो दैट विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें याद हो तो इसको 2-3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे एक बात ये भी याद होगी कि एक रिलेशन हमेशा डिफाइन है दो सेट्स के बीच में, सेट 1 से सेट 2 के बीच में। तो हम मान लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी है, मान लो कुछ ऐसा रिलेशन है 1 2 3 ए बी, ऐसा ऐसा, दिस इज भाई एरो डायग्राम, कोई वर्ड याद नहीं है, ये एरो डायग्राम हो गया। सेट की तरह भी दिखाते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं कि आर इज रिलेशन विच कंटेन्स, ये देखो सेट में 2 तरीके से हो गया, एक तो रोस्टर फॉर्म होगा जिसमें हम एलिमेंट्स लिख देते हैं कि 1 ए से रिलेटेड है और 2 बी से रिलेटेड है। एक और तरीका होता है जो कि यहाँ तो वैलिड नहीं होगा, जिसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं कि ए कॉमा बी आर इज अ रिलेशन विच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट, ए और बी में कुछ रिलेशन बताते हैं कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 और समथिंग लाइक दैट। ये इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं है, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से भी
रिप्रेजेंट करते हैं, ये पिक, ये हो गया एरो डायग्राम, ये हो गया सेट वाला फॉर्म, और कई बार लैंग्वेज में भी लिखते हैं कि देयर इज अ रिलेशन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एंड डेफिनेशन ऐसे ही लैंग्वेज में लिख देंगे किस तरह से, कह देंगे कि ए आर बी एफ ए इज इक्वल टू बी प्लस वन। देखो ये सारे एक ही चीजें लिखी हुई हैं, कि मैंने ए इज इक्वल टू बी प्लस वन ये रैंडम लिख दिया है, कि तीन अलग अलग फॉर्म है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ज्यादातर हम ये रोस्टर वाला फॉर्म यूज करते हैं कि R is a relation which contains all AB या ordered pair AB such that जो relation होगा उसके बीच में हम बता देंगे उसको, ठीक है। ये तो हमने 11th में पढ़ा था, अभी 12th में क्या आ जाएगा, 12th में उसके आगे की कहानी है types of relation। This is the important question, ये question आता है types of relation पे based। तो types of relation शुरुआत में तो बेसिक डेफिनेशन है वो आते नहीं है, जैसे एम्प्टी रिलेशन समझ गए होंगे, एक एलिमेंट सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, और इसमें कुछ पढ़ने का भी है ही भी क्या। दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दूं, सपोज नेचुरल नंबर में एक रिलेशन डिफाइन, अगर कभी मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, तो इसमें फ्रॉम और टू दोनों ही सेम हो गए, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और मान लो मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया कि आर इज अ रिलेशन विच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, दिस विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन, ये तो हमेशा ही होता है, हर एक एलिमेंट सबसे ही रिलेट हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल कैसे दिखेगा, मान लो यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो सब सबसे रिलेटेड है, ए ए से भी है, ए बी से भी है, ए सी से भी है, बी ए से है, बी बी से है, बी सी से है, और सी ए से है, और गंदा दिखने लगा, समझ गए होंगे, सारे जितने भी एरो पॉसिबल है सारे बना दो, क्लियर। यस सर। चलो अब आते हैं काम के टाइप पे। सबसे पहला जो रिलेशन है, और हम अभी इसमें बात करें कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो हमेशा ध्यान रखना कि सेट ए से सेट ए में रिलेशन डिफाइन है, और पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं, अ रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, और जो होना है वो होता रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं है। तो रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अभी देखो मैं लैंग्वेज लिखूंगा, जो तुम बुक में पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो हम अभी बोल रहे थे, इफ A comma A belongs to R for all A belonging to set A। अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, क्या बोला इसमें, A comma A रिलेशन में बिलोंग करे, जो हमारा रिलेशन का सेट होगा उसमें A comma A है। A comma A का मतलब क्या है कि A A से रिलेटेड है, और A क्या है, A सेट A का हर एक एलिमेंट है, वही बात कहती है इसने एक लाइन में कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर है, ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि मान लो यार मैंने कहा कि एक रिलेशन डिफाइन है, सपोज इन सेट एल, जहां पर एल है सेट ऑफ ऑल लाइंस, एल है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन, जितने भी लाइंस पॉसिबल है, रिलेशन डिफाइन किया है आर इज अ रिलेशन विच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट ए इज पैरेलल टू बी, तो दो लाइंस तब रिलेटेड है जब वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब बताओ क्या हम यहां कह सकते हैं कि हर एक लाइन खुद से पैरेलल होगी, हर एक लाइन खुद से तो पैरेलल होती है, तो हम बोल सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अभी यहां देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है,
कि लिखें क्या, सबसे बात समझ में आ गई कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि वी नो और वी कैन से, एक मिनट, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, वी कैन से एल कॉमा एल, या एल तो सेट का नाम है, तो L1, L1 belongs to R for all L1 belonging to L. लाइन मैथ की लाइन समझो, ये तो मैंने प्रॉपर्टी बता दी कि हर लाइन उससे पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं किसी का एको हो रहा है, जो हेडफोन नहीं यूज कर रहे हैं, एको हो रहा है, हटा दो, माइक ऑफ कर दो, तो हम कह सकते हैं कि L1, L1 मतलब कोई भी L1 है वो L1 से रिलेटेड होगी। अब L1 क्या है, L1 सारी लाइंस हैं जो सेट L में बिलोंग करते हैं, समझ गए बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर एक बार दोबारा बताना है वाला L वाला एग्जांपल या प्रॉपर्टी। एग्जांपल हमने एक रिलेशन डिफाइन किया इन सेट एल। अब सेट एल क्या है, सेट एल है सारी लाइंस का सेट, जितनी भी लाइंस पॉसिबल है एक प्लेन के अंदर, ठीक है, ये सेट है। हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है कि दो लाइंस तब रिलेटेड है, प्लीज माइक ऑफ कर दो, किसके यहाँ से एको हो रहा है, हमारा रिलेशन है कि दो लाइंस तब रिलेटेड है जब वो पैरेलल है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार हर लाइन खुद से तो पैरेलल होगी होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर लाइन खुद से रिलेटेड है फॉर श्योर। मान लो चार लाइनें L1, L2, अभी मैं सिर्फ चार एग्जांपल ले रहा हूँ, L2, L4 इस तरह से हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ठीक है, L1, L2, L3, L4, तो बताओ इनमें से कौन कौन सी आपस में रिलेटेड है। 1, 2, and 4। अच्छा 4 मैंने वैसे बना दिया, एक मिनट रुक जाओ, 4 ऐसे नहीं बनाना चाह रहा था, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये L3 हो गई और L4 ऐसी हो गई, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइंस रिलेटेड है, R के अंदर क्या क्या आएगा, L1 L2 पैरेलल है तो ये आपस में रिलेटेड हो गए, yes, L1 खुद से भी पैरेलल है तो L1, L1 भी रिलेशन में आएगा, L2 खुद से भी पैरेलल है तो L2, L2 भी रिलेशन में आएगा, L3 खुद से पैरेलल है तो L3, L3 आएगा, और L4 खुद से पैरेलल है तो L4, L4 भी आएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों सेट में L4 प्रेजेंट है, क्योंकि ये रिलेशन डिफाइन है L से L में, हमारा इस तरफ भी L है तो सारी लाइनें इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी L है, सारी लाइनें इधर भी हैं, तो L1 है तो L1, L1 से तो होनी ही होनी है, और कोई पैरेलल होगी तो उससे भी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर L2 है तो L1, L1 से भी है और L2 से भी है, समझ गए बात। इनफैक्ट हमने अभी कुछ छोड़ दिया है, क्या क्या छोड़ दिया है, L2, L1 भी होंगे, क्योंकि यहाँ L2 होगा, देखो जो फर्स्ट सेट से होता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट से होता है सेकंड एलिमेंट, तो एक बार L2 राइट में भी है और एक बार L2 लेफ्ट में भी है, तो L2, L1 में हमें लिखना चाहिए, ये बात समझ गए, L1, L2 से रिलेटेड है और L2, L1 से भी रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ जो एग्जाम्पल, ये बात तुम समझ लो कि L1, L2 और L2, L1 को सेम नहीं मानना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों तरफ से रिलेटेड हो, हो सकता कुछ ऐसा केस होता कि जब L1, L2 से रिलेटेड होता लेकिन L2, L1 से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ नंबर्स को लेके, मान लो कि कोई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू A और A है 1, 2, 3, और हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन, हमने कहा आर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो बताओ क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बताओ भाई, नो सर, नहीं सर, नो कौन बोला,
वंशिका ओके और कोई आंसर दे रहा है क्या यहाँ पर हर नंबर खुद से रिलेटेड होगा या नहीं होगा क्या हर नंबर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्या मैं कह सकता हूँ किसी भी नंबर के लिए a इज लेस देन इक्वल टू a कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ क्योंकि लेस देन या तो लेस देन या इक्वल टू तो है ही है विच इम्प्लाइज कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है यहाँ पर तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊ 1 2 3 यहाँ पर है 1 2 3 यहाँ भी है 1 1 से रिलेटेड है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन की रिलेशन होने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है ठीक है लेकिन 1 अच्छा 1 2 से भी रिलेटेड होगा क्योंकि a इज लेस देन b 1 2 से छोटा है कर रहा है 1 3 से भी होगा ठीक है 2 2 से होगा लेकिन 2 1 से नहीं होगा जो मैं पिछले एग्जांपल में बताना चाह रहा था कि 2 1 से छोटा नहीं है 1 तो 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है प्रॉपर्टी हमारी क्या है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से या तो छोटा है या इक्वल है ठीक है यस सर उत्तरा तुम जरा अपना माइक ऑफ करना आई थिंक तुम्हारा ही ऑन और डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा मेरी फैन वगैरह क्या बात है अभी भी आ रहा है हेलो अब ठीक नहीं एनीवे जिसके घर से भी आ रहे हो एक बार नोटिस कर लो प्लीज हाँ तो बात समझ में आ गई ऐसे ही 3 1 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 3 1 से छोटा नहीं है 3 2 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं लेकिन 3 3 से रिलेटेड होगा तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई यहाँ पर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है दैट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ठीक है आगे किसी को डाउट अभी भी रिफ्लेक्सिव में नो सर ठीक है चलो अच्छा इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे अगर तो चलो कम नंबर थे लेकिन हमें लैंग्वेज लिखनी तो हम कैसे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए देखो हमने सारे एलिमेंट की बात कर ली फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए ए इज लेस देन और इक्वल टू ए ए ऐसे छोटा इक्वल होगा तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा ध्यान रखो प्रॉपर्टी से हम कहते हैं कि वो रिलेशन में बिलोंग करता है और उल्टा भी ट्रू है अगर कोई पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा बात समझ गए अगर मैं कह रहा हूँ एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है दैट मींस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई रिलेशन में है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो उल्टा बता दे तुम्हें यार पी क्यू से छोटा है पी इज लेस देन और इक्वल टू क्यू तो हम कह देंगे पी कॉमा क्यू रिलेशन में बिलोंग करेगा समझ गए तो हमने कहा कि किसी भी ए के लिए ए इज लेस देन और इक्वल टू ए तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए ए और ए मिलके तो हम कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज उसी में जो फर्स्ट ने कहा है अच्छे से लिखना हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव जहां प्रॉपर्टी लिखने की बात थी वहां हमने लिख दी यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन थी तो हमने इक्वेशन लिख दी पिछले क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज थी ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मैंने पहले लैंग्वेज लिखी इस लाइन में लैंग्वेज नहीं थी इसमें प्रॉपर्टी वैसे मैथमेटिकल इनइक्वालिटी थी तो मैंने इनइक्वालिटी यूज करके लिख दिया समझ गए बात अल्टीमेटली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यहाँ भी मैंने कुछ यूज किया है कि L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल L हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है हो गया पढ़ना क्लियर चल आते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन पे दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है तो एक रिलेशन में अगर गिवन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ये पता है इफ भी लिख सकते हैं आगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ लिख देता हूं बेटर आता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर
implies B comma A also belongs to R when this relation is known to be symmetric. कि अगर A comma B है, उससे मालूम चल जाए कि B comma A भी होगा. ऐसे relation को हम बोलेंगे symmetric relation. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल लूं कि हमने रिलेशन डिफाइन किया है एक सेट में, जो सेट है हमारा अभी फिर से एल वाला ही कर लेते हैं. सपोज एल है, इसमें सारी लाइंस हैं, और इस बार हमने रिलेशन डिफाइन किया है कि आर एक रिलेशन है विच कंटेन्स ऑल लाइंस एल वन कॉमा एल टू इफ एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू. तो ये रिलेशन कैसे डिफाइन है कि दो लाइन तब रिलेटेड है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. ठीक है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? हमने कहा इफ पहले हम मानेंगे कि एक एलिमेंट है, फिर हम प्रूव करेंगे कि उल्टा वाला होगा, द मॉडल रिवर्स कर देते हैं. हमने कहा अगर L1, L2 है, इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R. अब अगर एलिमेंट है रिलेशन में तो क्या वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? देन वी कैन से अगर L1, L2 R में, तुम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं अगर L1, L2 बिलोंग करता है रिलेशन में? L2 को वेरी गुड. अगर कोई एलिमेंट है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि अगर L1 L2 R में है तो R में होने के लिए वो प्रॉपर्टी सही. इसका मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है, यहां से हम रिवर्स चेक कर लेंगे प्रॉपर्टी कि क्या हम इस लाइन के बाद क्या हम कह सकते हैं कि L2 विल बी परपेंडिकुलर टू L1. एक ही बात है, देखो अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो L2 और L1 भी होंगे. Yes. अब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई दूसरे ऑर्डर में, तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R. यस, ठीक है. तो हमने शुरुआत कहां से की थी? अगर L1 L2 है रिलेशन में, और प्रूफ क्या हो गया कि अगर L1 L2 है तो L2 L1 भी होगा. तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, तो आई गेस मेरी बात में सही लग रही होगी, समझना मुश्किल नहीं था कि हाँ अगर A1 A B है तो B A B होगा, अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो सिमेट्रिक है, नहीं हो रहा है तो नहीं है. लेकिन लिखने के लिए लैंग्वेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे लिखना है. हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. क्लियर है? यस सर. चलो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, सिर्फ देख के बताना है वो सिमेट्रिक है या नहीं. बताओ क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? हाँ सर, सिमेट्रिक है. देख तो लिया करो, जल्दी जल्दी बोल देते हो, मतलब मे बी हो, बट देखा तुमने? ठीक से टू कॉमा थ्री है और थ्री कॉमा टू है, इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है. अगर दो लाइन है, एक का नाम है L1 और एक का नाम है L2, तो क्या तुम दोनों तरफ से कह सकते हो कि अगर L1 L2 परपेंडिकुलर हैं और हम ऑर्डर उल्टा करके बोलें कि L2 L1 परपेंडिकुलर हैं तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. भाई इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. क्या दोनों तरफ से रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गया. अभी और एग्जाम्पल कर लेंगे. हाँ सर, कोई और एग्जाम्पल करो, ये बेकार है. ये सबको आ गया? वन टू 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 वाला? यस सर. क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव है. है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव है. आर्यन
सर इसमें सर इसमें वन से वन बिलोंग रिफ्लेक्सिव है। अरे उतना देख तो लो, क्या वन कॉमा वन है? नहीं है सर, नहीं है। अरे एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, टू कॉमा टू है ठीक है, थ्री कॉमा थ्री है ठीक है, लेकिन वन कॉमा वन नहीं है ना, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है चलो लेट्स सी, तो रिलेशन डिफाइन करते हैं। आर इज रिलेशन विच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, और रिलेशन सेट ए में डिफाइन है, सेट ए में सिर्फ वन टू थ्री है, ये रिलेशन सेट ए में डिफाइन है विच कंटेन्स वन टू थ्री। तो पहले आप तो रिलेशन बना के दिखाओ मुझे, रिलेशन का अच्छा नहीं बनाओ, नहीं बताओ क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेगा इस रिलेशन के, सिर्फ सोच के बोलेगा। यस सर, वेरी गुड प्रतुषा। देखो हम कैसे चेक करेंगे, हमने कहा कि अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या कह सकते हैं, कोई एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, चेन ऑफ ऑर्डर याद करो, कोई एलिमेंट है सेट में तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू फाइव। ठीक है, फिर हम इसको उल्टा करके चेक करेंगे, सिमेट्री में क्या चेक करना है कि दोनों तरफ से है कि नहीं है। अगर a प्लस बी फाइव है तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि b प्लस ए भी फाइव होगा? यस सर। और अगर b प्लस ए फाइव है तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि b कॉमा ए भी r में होगा? यस सर। होगा, तो ये प्रूव हो गया कि a कॉमा b r में था, जिससे हमने प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी r में होगा, हेंस ये रिलेशन क्या है, सिमेट्री। ठीक है, स्कूल में ऐसे ही पढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी नहीं समझ पाओगे, ध्यान से सब कुछ लिख लेना बहुत तरीके से। स्कूल में किसके किसके हो गया ये? चल रहा है, आया था समझ में? पर उनका कुछ समझ नहीं आता। चलो देखो, मैं यहाँ मैंने ए सेट डिफाइन कर दिया, अगर मैं ए सेट डिफाइन नहीं भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने डिफाइन इसलिए कर दिया है ताकि अगर तुम्हें बनाना हो रिलेशन तो आसानी से बना सको। अगर ये रिलेशन डिफाइन है ऑल रियल नंबर्स में तब भी ये वैलिड है, सिमेट्री वाली बात, क्योंकि ए बी होगा तो बी ए होना ही होना है, क्योंकि दोनों का सम फाइव होना चाहिए, ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो एक और रिलेशन है हमारा, तीसरा रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? हमने कहा इफ, यहां पे शुरुआत इफ से है कि अगर a कॉमा b रिलेटेड हो एंड b कॉमा c रिलेटेड हो, दो चीजें पता है हमें पहले से ही कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा होता है तो हम इस रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव। कई बार जैसे घर में हम मजाक करते हैं भाई बहनों के साथ, मैंने तुम्हें मुक्का मारा तुम उसको मार दो तो उसको पड़ गया, मेरा मुक्का पास कर दो, होता है कभी कभी। देखो इस तरह की बात है कि ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, तो ए और सी भी उस केस में अगर रिलेटेड है तो हम बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। समझ गया, आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। कुछ नालायक लड़के क्या कहते हैं कि सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर एंड दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तेरा आ गया सर, अब आ गया। देखो अभी इसी में तो आना था। चलो अभी मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, नंबर वाला एग्जांपल पहले कर लेते हैं, डेफिनेशन वाला बाद में कर लेंगे। भाई एक रिलेशन है, अगर ये 1 2 2 3 3 3 2 3, बताओ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है?
नहीं सर नहीं सर सर इसमें रिपीट हो रहा है रिपीट समय को देखो जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि ए बी हो बी सी हो तो ए सी भी होगा 1 3 नहीं है ना 1 3 नहीं है वेरी गुड अच्छा 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 मैं 1 3 लिखना चाह रहा था एक्चुअली लेकिन इस हिसाब से हमारा आंसर सही है अगर यहाँ पर 1 3 लिखा होता तो ये होता ख्याल से यस बिल्कुल ठीक है 1 2 है 2 3 है तो ए बी हो गया बी सी हो गया तो ए सी भी इसी में है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है ठीक है एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसका ऐसा है आर इज अ रिलेशन विच कंटेन ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी ठीक है अब ये रियल नंबर्स में डिफाइन रिलेशन तो देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे तो हमने कहा कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये हमें पता है पहले से तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हम कह सकते हैं कि ए इज लेस देन बी And B, C belongs to R implies B is less than C. अभी देखो A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो क्या हम कह सकते हैं A C से छोटा होगा for sure? Sir, yes sir. सोचो मान लो ये 2 है, ये 5 है, और ये जो B है वो C से छोटा है, तो ये maybe 7 है. तो 2 तो पक्का है 7 से छोटा होगा. तो this implies कि A is less than C. Property satisfy हो गई, इससे हम कह सकते हैं A comma C belongs to R. Belong से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से फिर से बिलोंग समझ गया yes, sir. Clear है yes, अब ठीक है लिख लिया तुमने लिख लो बहुत तसल्ली से मैंने पढ़ाया आई गारंटी इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा आ जाना चाहिए अब इवेंचुअली मैंने भी ऐसा इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं 2 साल में देख लिया पहले मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ मुझे लगता है इजी तो है लेकिन इशू हो जाते हैं फिर बच्चों को इसलिए मैं पहली बार इतना मैं लिख के बता रहा हूँ इतना लिखने की जरूरत तो क्या बोलें बुक में तो लिखा ही है इतना मैं कभी लिखता नहीं था सारा सब कुछ एक लाइन इसलिए मैंने लिखी है ताकि तुम एग्जैक्टली इसको कॉपी कर सको और ऐसा ही करना है बता देना जब हो जाए तो हो गया खुश तुम क्लास में हो खुश लॉग इन करके गायब हो जाता मुझे लग रहा है चलो अब आ रहा है हमारा जिस पे क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसमें तुम्हें कुछ नया नहीं सीखना है इक्विवेलेंस रिलेशन मैं क्यों नहीं सीखना है इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जो तीनों होते हैं दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन समझ गए बात एक ऐसा रिलेशन जो तीनों हो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर है ये तो ठीक है एग्जांपल देखते हैं तो हमने कहा कि हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं इन सेट टी और टी क्या है टी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और हमने रिलेशन डिफाइन किया है आर कंटेन्स T1, T2 triangles हैं, कोई भी दो triangles, they are related if T1 is congruent to T2, दो triangles तब related हैं, जब वो दोनों एक दूसरे से congruent हैं, तो बताओ क्या relation reflexive है? Yes sir, yes sir. पक्का, भाई हर triangle खुद से तो congruent होता ही है? पहला हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ हेंस
T1, T1 belongs to R for all T1 belonging to T. हर एक ट्रायंगल के लिए T1, T1 related है. हर ट्रायंगल खुद से related है. समझ गया? Yes, sir. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि hence this relation is reflexive. दूसरा हम बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की. हमने कहा if T1, T2 belongs to R. सिमेट्री कहां शुरू होती है? पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं कि अगर T1, T2 है, अगर T1, T2 R को बिलोंग करता तो हम क्या कह सकते हैं? T1 is congruent to T2. एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी लगाओ. T1 is congruent to T2. अब ऑर्डर चेंज करके प्रॉपर्टी देखो, लग रही नहीं लग रही है. क्या हम कह सकते हैं कि T2 भी T1 से congruent होगा? बिल्कुल होगा. T1, T2 congruent to T2. T1 ऑर्डर से कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा. T2 is congruent to T1 which implies T2, T1 belongs to R. ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक. मैंने कम लैंग्वेज लिखी तो मैं और लिखनी है. जैसे हमने मैंने लिखा फॉर, शुरुआत में याद करते हो, फॉर एनी T1, T2 बिलोंगिंग टू आर, ये हर T1, T2 के लिए बात हो रही है. फिर थर्ड क्या हो जाएगा कि इफ T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, अगर रिलेशन में है तो यहां से लगाओ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि T1 इज कॉन्ग्रोवेंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रोवेंट टू T3. अब बताओ अगर T1, T2 से कॉन्ग्रोवेंट है, T2, T3 से है, तो क्या T1 और T3 भी कॉन्ग्रोवेंट होंगे? Yes, जैसे ही हो जाएंगे. तो यहां से हम कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रोवेंट टू T3, जिससे हम कह सकते हैं T1, T3 बिलोंग्स टू R, और यहां से आ गया रिलेशन ट्रांजिटिव. ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन तीनों रिलेशन है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर है? यस सर, क्लियर. यस सर, लिख लिया तुमने? हाँ सर, लिख लिया. आवाज कम आ रही है रितेश की, स्नेहा की भी नहीं आ रही है. हो गया सबका? कोई लिख रहा था पहले? हो गया. चलो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई एम सेइंग 90% चांस है तुम्हारे बोर्ड में आएगा. ये ऑलमोस्ट हर बार आता है. रट लेना इस क्वेश्चन को बिल्कुल. एक रिलेशन डिफाइन है रियल नंबर्स में, और रिलेशन है A, B such that 2 divides a minus b. मॉड में लगा दे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव है. मॉड ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं है. बात एक ही है, 2 डिवाइड 6 तो 2 डिवाइड माइनस 6 ऑल्सो. ठीक है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बिल्कुल ध्यान से वो करना. तो लेट्स सी कि ये रिलेशन कैसा है. तो बताओ सबसे पहले क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? Yes, sir. So, A 2 divides A minus A. A को minus करते. बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो. मैंने स्टाइलस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. ये R से R में डिफाइन है, तो सारे रियल नंबर्स में डिफाइन है. तो हमने कहा for any A belonging to R, किसी भी A की बात हो रही है. 2 divides a minus a तो 0 होता है ना, और 0 तो सबसे डिवाइड हो जाता है. कह सकते हैं हम 2 divides a minus a, कह सकते हैं ना? Yes, so this implies कि a comma a belongs to R.
समझ गए, पहला आर वो रियल नंबर वाला आ रहा है और दूसरा आर रिलेशन वाला आ रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलो मैं लिख देता हूँ, ए टू ए में ऐसा डिफाइन है जहां पर ए रियल नंबर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ए का मतलब क्या है, सॉरी पहले आर और दूसरे आर का मतलब क्या है। मान लेते हैं ए से ए में डिफाइन है, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ए के किसी भी एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो गया, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू ए, टू डिवाइड्स ए माइनस ए, दैट मींस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यहां से प्रूव हो गया कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। हमने कहा कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मींस कोई एलिमेंट है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ए कॉमा बी अगर आर में है, दैट मींस डिफरेंस को डिवाइड करता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई ए कॉमा बी आर में है, तो फॉर श्योर हम कह सकते हैं कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी। यहां से हम उल्टी बात भी कर सकते हैं, this implies कि 2 divides, अगर 2 8 minus 4 को divide करता है तो क्या 2 4 minus 8 को भी divide करेगा? Yes sir. करेगा, plus mod भी लगा, mod ना भी लगाओ तब भी करेगा, लगा दिया ताकि confusion और बिल्कुल भी ना हो। तो 2 divides b minus है, हम ये भी कह सकते हैं यहीं से, order change करने से sign change होगा। अगर 10 minus 2 8, 2 minus 10 minus 8, 2 दोनों को divide करेगा, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 2 divides b minus है, which implies यहाँ से क्या कह सकते हैं आगे? b comma a belongs to R. Very good. अगर b minus, अब property satisfy हो रही है, तो ये element relation में चला जाएगा कि हाँ property relation वाली satisfy कर रहा है, तो relation में पक्का होगा। confusion तो नहीं हो रहा किसी को? नहीं। पक्का? हमने अगर a comma b R को belong करता है, तो 2 divides a minus b, जहाँ से हम कह सकते हैं 2 divides b minus है, और जिससे हम कह सकते हैं b comma a belongs to R, hence this relation is symmetric. अभिषेक समझ में आ रहा है सर? Yes sir. ठीक है, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। हमने कहा अगर a comma b and b comma c belongs to R है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या 2 divides a minus b and 2 divides b minus c, b minus, नहीं कौन है, b minus c बोला क्या? हाँ सर। अच्छा बेटे, अब और तो कोई नंबर दो नंबरों को डिवाइड करता है, तो क्या उनके सम को भी डिवाइड करेगा? फॉर श्योर। देखो 2 10 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, और 10 प्लस 6 को भी करेगा ना डिवाइड? यस यस सर। कोई नंबर किसी भी दो नंबर को डिवाइड करता है, तो उनके सम को और उनके डिफरेंस को हमेशा डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों ही डिवाइड होते हैं। इंडिविजुअली करोगे, अलग अलग करोगे, दोनों से डिवाइड तो होना ही होना है। तो अगर मैं a माइनस b और b माइनस c को ऐड कर दूं, तो क्या a माइनस c आ जाएगा? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों की हेल्प से कहा जा सकता है कि 2 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस c, और यहाँ पे कहा जा सकता है कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r, hence this relation is transitive. ठीक है, अब जब तीनों होगा तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर 2 की जगह 3 लिखा होता, तो इस क्वेश्चन में कोई चेंज होता?
नहीं सर फिर तो नहीं उसके बोलो अगर 2 डिवाइड से अगर 3 डिवाइड लग जाता है तो क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होता सर होता बिल्कुल होता कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ही फर्क है टू की जगह 3 आ जाता हर जगह के 3 डिवाइड्स a माइनस है जीरो को तो हर कोई डिवाइड करता है अगर 3 डिवाइड्स a माइनस भी तो 3 डिवाइड्स b माइनस है ऐसे ही ट्रांजिटिव में आ जाता तो 2 की जगह 3 लिखाओ 4 लिखाओ 5 लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ना ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही होगा ठीक है यूजुअली 2 आता है कभी कभार 3 आ जाता है अब इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और है और वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता मोस्टली बच्चों को ठीक है मोस्टली स्कूल में वो बताया नहीं जाता है छुड़वा दिया जाएगा अब यहाँ से समझ लो कॉन्सेप्ट एक बात समझो ये रिलेशन है मान लो कि ये रिलेशन डिफाइन था हमारे इंटीजर्स में सर ताकि हम आराम से बता सकें कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है या सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में डिफाइन था नहीं होल नंबर्स में मान लेते हैं 0, 0, 1, 2, 3 इनमें ये रिलेशन डिफाइन था तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन में होंगे ऐसे रैंडमली सोचो क्या 2, 4 होगा रिलेशन में सही वर्ड अनु पूछा गया था बता मैं कह रहा हूँ क्या 2, 4 इस रिलेशन में होगा यस सर होगा रिलेशन में कौन सा एलिमेंट होता है जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड हो क्या इनका डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा है हाँ होगा क्या 4, 8 होगा रिलेशन में यस सर यस सर 10, 24 होगा यस सर यस सर क्या कोई भी दो इवन नंबर होंगे वो होंगे रिलेशन में यस सर तो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन ही होता है ना यस सर तो क्या हर इवन नंबर सारे इवन नंबर से रिलेटेड होगा इसमें यस सर यस सर पक्का यस सर ऐसे ही क्या हर ऑड नंबर भी हर ऑड नंबर से रिलेटेड होगा क्योंकि दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होता है ऑड ही होता है ऑड ही होता है तो वो भी रिलेशन में होगा तो देखो यहाँ से कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि यहाँ पर हर एक इवन नंबर सारे इवन नंबर से रिलेटेड है दूसरा हर एक ऑड नंबर सारे ऑड नंबर से रिलेटेड है क्या कोई भी इवन नंबर किसी ऑड नंबर से रिलेटेड होगा नहीं सर नहीं होगा तो कोई भी इवन नंबर किसी भी ऑड नंबर से रिलेटेड नहीं ठीक है तो अभी मैं क्वेश्चन वो कह रहा हूँ कि ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है सिर्फ होल नंबर्स में डिफाइन है डब्ल्यू से डब्ल्यू सो दैट हम जो भी सीखना चाह रहे हैं वो सीख लें तो बेसिकली किनमें हमारे जो डोमेन और को डोमेन है वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी ठीक है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस रिलेशन ने मेरे डोमेन को या इस सेट को जो जिस पर डिफाइन था ये रिलेशन इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है एक पार्ट तो हो गया सारे इवन नंबर्स का और दूसरा पार्ट हो गया सारे ऑड नंबर्स का और उसने किस तरह से इन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है तीन बातें हैं तीन बातों को ध्यान से सुनना कि हमारे रिलेशन ने जो हमारा गिवन सेट का था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सच दैट जो पार्ट्स के एलिमेंट हैं वो सारे ही एक दूसरे से रिलेटेड है देखो इवन नंबर्स हैं सारे एक दूसरे से रिलेटेड है ऑड नंबर है सारे एक दूसरे से रिलेटेड है किसी भी एक पार्ट का कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे पार्ट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है इन दोनों पार्ट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और इन दोनों पार्ट को मिला दिया जाएगा तो पूरा सेट बन जाएगा इन्हीं पार्टीशंस को इन्हीं पार्ट्स को बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास I'm telling again, बताएंगे नहीं तुम्हारे स्कूल वाले या समझा नहीं पाएंगे इन्हीं पार्टीशंस को बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये सेट है तो सेट E और O बने यहाँ पर इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ठीक है अब अगर तुम बुक से पढ़ोगे तो किस तरह की लैंग्वेज होगी कि गिवन अ सेट X एंड आर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन इट द इक्विवेलेंस रिलेशन divides the set X in mutually disjoint subsets. ये mutually disjoint ही तो होगा कुछ common नहीं है
सच दैट, फिर वो ये तीनों प्रॉपर्टी बोलेगा जो मैंने लिखवाई थी अभी, बुक से देख लेना एग्जैक्टली तीन प्रॉपर्टी बोलेगा। और तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा, डिफाइन करने को नहीं पूछा जाएगा तीन प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली बात तो कि जो डिसजॉइंट सबसेट्स बने हैं, जो पार्ट्स बने हैं, उनके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उनके किसी भी एक पार्ट के एलिमेंट किसी भी दूसरे पार्ट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और उनका यूनियन ऐसा लिखा होगा यूनियन ऑफ ई आई मतलब पार्टीशन है E1, E2, E3, उनका यूनियन हो जाएगा पूरा सेट X जिसमें डिफाइन है, और इनका इंटरसेक्शन होगा phi, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इस तरह से लिखा होगा। समझ गया प्रॉपर्टीज? तीन प्रॉपर्टी है, पहली कि सारे पार्ट्स जितने भी पार्ट्स बने हैं उनके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किसी दूसरे पार्ट से रिलेटेड नहीं है, तीसरा उनका इंटरसेक्शन phi है, और यूनियन वो कंप्लीट सेट है जिसमें रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, इन पार्ट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तो ये पूरा सेट बना हुआ है, एक और तरीका इसको शॉर्ट में लिखने का कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में उस क्लास का कोई भी एलिमेंट लिख देता है। कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट, मैंने इस क्लास को दिखाने के लिए मैं इसमें जीरो लिख सकता हूँ, तो इससे पूरी क्लास रिप्रेजेंट हो गई। मैं 2 लिख सकता हूँ, मैं 10 लिख सकता हूँ, मैं 20 लिख सकता हूँ। समझ गए? क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट में उस क्लास का कोई भी एक एलिमेंट लिखा जा सकता है। यूजली 0 लिख देते हैं, वो क्यों पहला एलिमेंट है। ऐसा ही सेकंड क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 मैंडेटरी नहीं है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट उस क्लास का। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा 4 मार्क्स में? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट ऑफ होल नंबर्स सच दैट आर ब्ला ब्ला 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड मेंशन द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3। तो पहला पार्ट 3 नंबर का होगा जिसमें तुम पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाओगे, दूसरा पार्ट होगा कि वो क्लास बतानी इसमें 3 होता है, तो ये पूरी क्लास हो गई, हम पूरा सेट लिख दोगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3 कौन सी है, सारे ऑड नंबर्स की क्लास, सारे ऑड नंबर्स का सेट। समझ गए? काफी डीप था ये कॉन्सेप्ट, आई होप। मैं इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ह्यूमंस में, पूरे वर्ल्ड के ह्यूमंस में, तो हमारा रिलेशन है कि दो टू ह्यूमंस आर रिलेटेड इफ दे आर सिटीजंस ऑफ सेम कंट्री। ठीक है, तो देखना इस रिलेशन ने हमारे पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड कर दिया है। पूछो कैसे? क्या एक कंट्री का हर एक बंदा उस कंट्री के हर एक बंदे से रिलेटेड होगा? कि दो लोग तब रिलेटेड है जब वो सिटीजन ऑफ सेम कंट्री है। ठीक है, क्या किसी एक कंट्री का कोई भी ह्यूमन क्या किसी दूसरे कंट्री के ह्यूमन से रिलेटेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम कंट्री के नहीं है। क्या सारी कंट्रीज में कुछ कॉमन है बाउंड्री वाइज? कोई एलिमेंट कोई बंदा किसी हर कंट्री में कॉमन है क्या? No, तो सारे सेट में कुछ कॉमन नहीं है। क्या सारे कंट्रीज को मिला के पूरा वर्ल्ड बन जाएगा फिर से वो ओरिजिनल सेट? यस सर। यस सर। ये जो कंट्रीज बने हैं दीस कंट्रीज आर इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो बस स्क्वायर ब्रैकेट में उस कंट्री के किसी भी एक पर्सन का नाम लिख देना है। समझ गया? बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने समझाया आज पढ़ लेना। आज लैंग्वेज जितना भी बताया जरूर पढ़ लेना, क्योंकि भी फ्रेश है, सब कुछ अच्छे से तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अगर इसी में मैं पूछूंगा अगर 3 डिवाइड से माइनस भी होता क्वेश्चन तो इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या बनती है? ये जिसने बता दिया उसको सबको समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन होता 3 डिवाइड ए माइनस बी तो हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या क्या बनती है? इक्विवेलेंस रिलेशन तो वैसे ही प्रूव हो जाता, कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ क्लासेस में चेंज होगा। सोच के बताओ कि क्या क्लासेस पॉसिबल है उस केस में, और होल नंबर्स में डिफाइन है तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। सर जो सर 3 की टेबल पूरी 3 के मल्टीपल्स बताना
कितनी क्लास बनेंगी ये तो बताओ, पिछली वाले में दो क्लास बने थे, एक एलिमेंट सोच कर देखो फिर समझ में आएगा। जीरो किससे रिलेटेड होगा? सबसे स्मॉलेस्ट सोचो ना, जीरो माइनस क्या थ्री से डिवाइड होगा, थ्री से और मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। और अगला क्या होगा? और सर सिक्स हो जाएगा। वेरी गुड, और नाइन हो जाएगा। समझ गया, तो एक क्लास तो ये बन जाएगी। अब अगली क्लास सोचने के लिए बस जीरो के बाद स्टार्ट करो, अगला वन सोच के स्टार्ट करो। तो जीरो और वन तो रिलेटेड नहीं होगा, तो वन अलग क्लास में होगा। वन किससे रिलेटेड होगा? फोर, फोर, फोर सर। समझ गए पांडा? यस। और भी क्लास बनेगी क्या? सर टू और फाइव बना लीजिए। फाइव। इस बार थ्री क्लासेस बनेंगी, और क्या पॉसिबिलिटी नहीं, अगला तो सब कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। अगर थ्री डिवाइड ए माइनस बी होता तो वो रिलेशन हमारे सेट को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता, तो उसमें थ्री इक्विवेलेंस क्लास बनते। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए, ये कम आता है, टू वाला ज्यादा आता है, बट ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब फोर वाला आए क्या नहीं, बट फिर भी अगर फोर होता तो कितनी क्लासें बनती? दो ही बनती, चार बन जाती। तो क्या बनते? नहीं नहीं सर, अरे तुमसे नहीं कहा मैंने, किसी ने दो बोला था उससे मैंने कहा। रिलेशन ही कहानी वही रहती। क्लास की बात करो अगर तो जीरो किससे रिलेटेड होता? फोर से सर। फोर। पहला पार्टीशन तो ये हो गया, दूसरा पार्टीशन क्या होता? वन और फाइव सर। अगला टू और सिक्स सर। अगला थ्री और सेवन सर। समझ गया कितने क्लास बनेंगे? चार सर। क्लास फाइव होता तो पांच बन जाती सर। हाँ पांच बन जाते हैं, उसमें जीरो फाइव टेन फिर वन सिक्स एंड ऐसे टेन होता तो टेन बन जाते हैं। समझ गए? यस सर। अब इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से ओवर होता है जहाँ पर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। अभी तुम ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ जरूर लेना, क्लास के जस्ट बाद खाना ना खाना हो खा लो, उसके बाद सोने से पहले जरूर पढ़ लेना, तुमने आज ही पढ़ा है अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। होमवर्क में सर मैं कॉन्टिन्यूटी की वर्कशीट देना भूल गया, करोगे ना सर? अगले हफ्ते दे दीजिएगा सर। अरे सर 30 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। यस सर, अगले हफ्ते। अरे क्लास अपलोड कब होगी? मतलब आज की करनी, आज ही हो जाएगी। इन वन आर कर दूंगा मैं, ना करूं तो मुझे मैसेज डाल देना। एक्सरसाइज 1.1 कर लेंगे, 16 क्वेश्चन है जिसमें कुछ क्वेश्चन तो मोरली भी कर सकते हो। आज क्या डे, अभी तो दो दिन का गैप है ना? यस सर। हमारे क्लास, हाँ ठीक है कर लेंगे आराम से, 1.1 कर लेंगे पूरी, ठीक है? ठीक है हाँ सर। तो ध्यान रखना पढ़ना भी और एग्जांपल बेस के पढ़ना है। चलो सर, जो टेस्ट होगा वो क्विज वाला ही होगा ना? मतलब दैट टेस्ट क्वांटिटी में क्विज वाला तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आई एम थिंकिंग कि क्या कर सकता हूँ मैं, लेट्स सी। क्विज वाले से नहीं हो पाएगा, क्विज वाले में क्या पूछूंगा मैं, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। आई विल फाइंड आउट अ वे, डोंट वरी, तुम पढ़ते रहो। चलो गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, बाय सर, थैंक यू सर।